बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन। हियर साकिब खान। आज की वीडियो में हम जो लैंड ड्रिलिंग रिग पे मास यूज़ होता है उसके टेक्निकल डिस्क्रिप्शन को देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मॉडल और सर्टिफिकेशन आ जाती है। मास के लिए कौन सा मॉडल यूज़ होता है? JJ450/45K। एक्चुअली आपके पास जो 2000 HP का रिग होगा ZJ70D, उस पर जो मास यूज़ होता है उस पर ये मॉडल यूज़ किया जाता है JJ450/45K। और साथ इसमें आ जाती है इसकी सर्टिफिकेशन API4F। मीन कि ये जो मास्ट होगा इसकी जो सर्टिफिकेशन होगी वो API प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मास्ट है इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या होती है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मास्ट हाइट 149 फीट। आपके पास जो मास्ट होगा इसकी टोटल हाइट 149 फीट होगी। देन स्टैटिक हुक लोड कैपेसिटी 10 लाख पाउंड। आपके पास जो स्टैटिक हुक लोड की कैपेसिटी होगी वो 10 लाख पाउंड होगी। देन विड्थ ऑफ टॉप फेस स्लैश साइड 2.5/2.2 मीटर। इसका जो टॉप होता है उसकी जो विड्थ है वो 2.5/2.2 मीटर है। देन विड्थ ऑफ बॉटम 9 मीटर। नेक्स्ट हाइट ऑफ रैकिंग प्लेटफॉर्म 24.5, 25.5 एंड 26.5 मीटर। नेक्स्ट है एंटी विंड कैपेसिटी। इसमें तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे नो हुक लोड विद फुल ऑफ स्टैंड 36 मीटर पर सेकेंड। देन नो हुक लोड विद नो स्टैंड 47.8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है लिफ्टिंग एंड लोअरिंग 8.3 मीटर पर सेकेंड। सबसे एंड पे है वेट 76880 kg। इसका जो वेट होगा वो 76880 kg होगा। अभी जरा हम देखते हैं कि मास की जो जनरल डिस्क्रिप्शन है इसमें कौन कौन से फीचर आ जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे केस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन 8 पार्ट्स विच आर कनेक्टेड एज अ होल विद पिन। ये केस स्टाइल का होगा और इसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे। 4 सेक्शन में टोटल 8 पार्ट्स आ जाते हैं जो कि आपस में पिन के थ्रू कनेक्टेड किए जाते हैं। नेक्स्ट है इक्विप्ड विद केसिंग स्टेपिंग बोर्ड रेस्टिंग बोर्ड एंड रैकिंग प्लेटफॉर्म। इसके साथ केसिंग स्टेपिंग बोर्ड भी आ जाता है, रेस्टिंग बोर्ड होता है और रैकिंग प्लेटफॉर्म होता है। देन कंप्लीट विद क्लाइंब सेफ्टी डिवाइस एंड डायरेक्ट एस्केप लाइन। इसके साथ क्लाइंब सेफ्टी डिवाइस होगी और डायरेक्ट एस्केप लाइन होगी। 2 एयर वेंचेस ऑन रैकिंग प्लेटफॉर्म फॉर एडिंग द रैकिंग ऑफ ड्रिल कॉलर अप टू 9.5 इंचेस। इसके साथ जो रैकिंग प्लेटफॉर्म होगा उस पर 2 एयर वेंचेस होंगी जो कि 9.5 के जो ड्रिल कॉलर्स होती हैं उनके लिए यूज़ की जाती हैं। देन कंप्लीट विद एंकर पॉइंट टू सस्पेंड अपर लॉगिंग शीफ ड्यूरिंग स्ट्रिपिंग एंड एंकर पॉइंट टू सस्पेंड ब्लॉक ड्यूरिंग स्ट्रिपिंग एंड कटिंग। नेक्स्ट है काउंटर बैलेंस सिस्टम फॉर रोटरी टोंग्स। इसके साथ काउंटर बैलेंस सिस्टम होगा जो कि रोटरी टोंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड विद चेन ऑन ऑल फिंगर्स एंड सेफ्टी ग्रिप वॉकवे बेली बेल्ट रेल क्लॉकवाइज टू आई लाइंस रैकिंग बोर्ड टू बी फिटेड विद सेफ्टी केज। इसके साथ जो जितनी भी फिंगर्स होती हैं उनके साथ चेन लगे होते हैं और एक सेफ्टी ग्रिप वॉकवे होगा और साथ ही बेली बेल्ट रेल होगी और आपके पास जो रैकिंग बोर्ड होता है वो सेफ्टी केज के साथ फिट हुआ होता है। आल्सो प्रोवाइड विद वेपरटाइट फ्लोरिसेंट लाइटिंग सिस्टम और मास के साथ फ्लोरिसेंट लाइटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। कंप्लीट विद अ ट्यूबिंग बोर्ड बिटवीन रिग फ्लोर एंड मेन रैकिंग प्लेटफॉर्म।
आपका जो रिग फ्लोर और मेन रैकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उसके बीच में एक ट्यूबिंग बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। आई होप इस वीडियो से जो लैंड ड्रिलिंग रिग पे मास यूज़ किया जाता है उसकी जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन होती है, उसका मॉडल वगैरह, उसकी सर्टिफिकेशन एंड उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह और जनरल डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में आप काफ़ी नॉलेज मिला होगा। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द उसका आंसर दिया जाए। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो मास के कंप्लीट पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को भी लाइक कर दें। हमारे फेसबुक पेज ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऑयल एंड गैस इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि जैसे चैनल पर नई वीडियोज़ अपलोड हों वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।